असली मर्द है और एक बा एक माँ के औलाद है तो सामने आकर पूछिए कि कौन महिला किसकी आंख चार गो है। अगर एक बाप की औलाद है तो आरोप लगाया गया है एक जमीन मामले का जो है उसी घोटाले में उनको लगाया गया है जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीन खरीदे भी नहीं है। नहीं चलेगी ना, अभी तो सामूहिक है कहीं महिला मोर्चा का भीड़ उठ गया ना। पूर्व में आप देखे थे विधायक ना, नाक घुसने का श्रम नहीं था, कहीं महिला हमारी उठ गई ना तो उनको मैंने जमीन पर चलने के भी स्वागत कर, जूता से करूँ की चप्पल से करूँ वो आवत तब ना। तू तो खाली दूसरा से पता पूछा था कि फलाना के घर कहाँ है। क्या क्या था, क्या चीज का प्रोग्राम था? हेमंत सुरेन का इधर इधर काफी महिलाएं लोग हैं। क्या चीज का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था अभी, क्या चीज का प्रोग्राम था? वो न्याय यात्रा वाला प्रोग्राम था। क्या क्या चीज का न्याय मांग रहे हैं? हम लोग न्याय मांग के मेरी जो मंत्री हैं हम लोग जेल के अंदर है वो जल्द से जल्द छूट जाए क्योंकि हमारी झारखंड को देखिए ऐसी मंत्री मिले थे वैसी मंत्री नहीं मिलेंगे। हमको कहा कि मेरे भाई के प्रति इतना हम लोग स्नेह है वो जल्द से जल्द उनको छूटना चाहिए। आरोप क्या लगाया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर? ये फ्रॉड आरोप लगाया गया है एक जमीन मामले का जो है उसी घोटाले में उनको लगाया गया है जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जमीन खरीदे भी नहीं है, जमीन सिर्फ खरीद रहे थे ऐसा आरोप लगाया गया है जो काफी निंदनीय है। न्याय यात्रा मार्च जो है पूरे झारखण्ड में चलाया जाएगा, पूरे झारखण्ड में चलाया जाएगा। हम लोग 2 तारीख को रांची भी जा रहे हैं भूख हड़ताल करने, पूरे जिले से लोग जा रहे हैं तो 2 तारीख को हम लोग भी जा रहे हैं। जब तक वो छूटेंगे नहीं तब तक हम लोग इसी तरह से न्याय यात्रा। क्या लग रहा है ये न्याय यात्रा केंद्र सरकार पर कुछ वार कर पाएगी या फिर बस कुछ ही नहीं ज्यादा वार करेगी? वो भी घबरा जाएंगे हम लोग का भीड़ देख कर कि इतना न्याय, हम लोग न्याय के लिए ना मांग रहे हैं, न्याय यात्रा है। वो केंद्र सरकार भाजपा सरकार तो घबरा गई है कि हम तो कुछ काम किए नहीं थे और ये सरकार काम कर रही है तो इस सोच के क्या करे, इनको जेल में ही डाल देते हैं तो ऐसे थोड़े ना होगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी ना, अभी तो सामूहिक है कहीं महिला मोर्चा का भीड़ उठ गया ना। पूर्व में आप देखे थे विधायक ना, नाक घुसने का श्रम नहीं था, कहीं महिला हमारी उठ गई ना तो उनको मैंने जमीन पर चलने के भी सांस हम लोग नहीं देंगे। तो नेता लोग तो आपका घर दूर खोजने लगता है, कहाँ की महिला है, कौन ऐसे बोल रही है? आवत तो घरे पहले आई है तब उनका स्वागत कर, जूता से करूँ की चप्पल से करूँ वो आवत तब ना। तू तो खाली दूसरा से पता पूछा था कि फलाना के घर कहाँ है। महिला के सामने निकल के बोलना चाहिए ना, हिम्मत है तब घर में तो घुस के कोई भी कुछ भी बोल देता, हिम्मत है प्रूफ है तो सामने आना चाहिए ना किसी को। असली मर्द है और एक बा एक माँ के औलाद है तो सामने आकर पूछिए कि कौन महिला किसकी आंख चार गो है। अगर एक बाप की औलाद है तो क्या कुछ कहेंगे? ये न्याय यात्रा क्या है? अच्छा क्या मीटिंग में क्या अभी था, अभी क्या चीज का मीटिंग था, हम लोग क्या चीज कही मैं आए थे? मीटिंग तो भाई वही हेमंत सोरेन जी की है। हेमंत सोरेन जी का हाँ। क्या लेके था, कुछ है जानकारी? जानकारी तो इसे नहीं है हमको, लेकिन मैंने ये इधर आप लोग का कुछ जानकारी है बाबा? क्या चीज था यहाँ पर, क्या चीज का मीटिंग अभी हो रहा था? न्याय 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 का था, न्याय था कि क्या क्या बोला गया, कुछ समझ में आया? अब उतना तो ख्याल नहीं, हम पीछे पड़ाए थे। हम वीडियो बनाना इधर इधर को कुछ आप लोग का है जानकारी? क्या यहाँ पर क्या था? न्याय यात्रा था, मैंने क्या न्याय में क्या मांगा जाए, मिलना चाहिए किसको किसको? हेमंत सोरेन को। क्या किए हैं वो? बहुत जो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। आरोप क्या आरोप था, है कुछ जानकारी? क्या आरोप? फालतू है, फर्जी है, फर्जी आरोप है जी। तो उनको जेल में क्यों बंद रखा? इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, कार्यक्रम जो है सामने में चल रहा था और काफी लोग यहाँ कार्यक्रम के दौरान जो है तरह तरह की नारेबाजी भी किए। जय हिंद।